बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश। ऑल द स्टूडेंट ओपन योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 11। इन दिस वी स्टडी अ चैप्टर फैमिली वैल्यू, खानदानी इक्तदार। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट फैमिलीज वैल्यूज, हाउ वी रिस्पेक्ट आवर फैमिलीज, आवर एल्डर्स। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स and also underline the difficult words. Once there lived a farmer who had two sons. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान जिसके दो बेटे थे। The elder son was great to his father, but the younger one was discontented. The elder son जो अपने बाप का बहुत मददगार था, but the younger son जो उसका छोटा बेटा था, वो अपने बाप का बिल्कुल भी बात नहीं मानता था। Discontented यानी बेसब्री था, restless. The elder brother always took care of his younger brother, and the younger one did not like working in the farm. He asked his father for his share of the farm. The elder brother forbade him to do so, but he did not listen. He sold his share of the farm and left the village. Lekin bada bhai hamesha chote bhai ka khayal rakhta tha. Always take care of his younger brother and the younger one did not like working in the farm. लेकिन छोटे भाई को खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। He asked his father for the share of the farm. उसने अपने बाप से खेतों में हिस्सा मांगा, share यानी हिस्सा मांगा farm खेत में। The elder brother forbade him to do so. बड़े भाई ने उसको समझाने की कोशिश की कि ऐसे मत करो। But he did not listen. पर उसने किसी की ना सुनी। He sold his share of the farm and left the village. उसने अपना हिस्सा लिया और गांव छोड़ के चला गया। Now come to the next paragraph. The younger son enjoyed himself by hosting parties of his friend. After a few days, he ran out of his money. Seeing his financial state, his friend left him. Now the younger son enjoyed himself. The younger छोटा भाई था, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम वेस्ट किया पार्टीज़ करके, और आफ्टर अ फ्यू डेज उसके पास जितनी भी मनी थी उसने वो सारी की सारी वेस्ट कर दी। नाउ ही हैड नो मनी। सीइंग हिज फाइनेंशियल स्टेट हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम। जब उसके दोस्तों ने देखा कि उसके पास अभी कुछ भी नहीं है तो उसने उनको छोड़ दिया। नाउ कम टू द पैराग्राफ 3। ही रिमेंबर हाउ काइंड हिज ब्रदर एंड फादर हैड बीन टू हिम एंड विश ही हैड नॉट लेफ्ट होम। अब उसे एहसास हुआ कि कितने मेहरबान थे उसके भाई और फादर उनके लिए, उसको अपना गांव नहीं छोड़ना चाहिए था। सो ही डिसाइड टू रिटर्न होम। अब उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस और माफ़ी मांगेगा। ही डिड नॉट नो दैट हिज फादर मिस हिम। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बाप ने उसे कितना मिस किया। एंड विश ही वुड कम बैक। और वो वापस आ जाए। द सन फील ऑन इज नीज इन रिग्रेट व्हेन ही सॉ हिज फादर। द फादर हग हिम एंड ड्रेस हिम इन फाइन क्लॉथ। आखिरकार बेटा अपने गांव आ गया, बाप ने उसे गले लगाया और अच्छे कपड़े पहनाए। नाउ कम टू पेज 12। द यंगर सन प्रॉमिस हिम हिज फादर एंड हिज ब्रदर दैट ही वुड वर्क हार्ड ऑन द फार्म। अब छोटे भाई ने अपने बाप और भाई से प्रॉमिस किया कि वो खेतों में मेहनत से काम करेगा। ही फाइनली लर्न टू रिस्पेक्ट हिज फैमिली एंड हिज एल्डर। और आखिरकार उसने अपने ख़ानदान और बुजुर्गों की कदर करना और इज़्ज़त करना सीख ली। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट हाउ वी रिस्पेक्ट आवर फैमिलीज, वी रिस्पेक्ट आवर फैमिलीज, आवर एल्डर्स। I hope you understand this lesson. My dictionary, words meaning. We have some words meaning. You have done in this in your notebook. I have learned one more time. I have learned one time these words meaning for you. Respect, to regret, to obey. False, not true or faithful. Kind, of a merciful and nature. Hug, press tightly in arms. Discontented, dissatisfied or restless. You have done these words meaning in your note copy and also read a chapter once again. Hopefully you clearly understand and you enjoy this lecture. Inshallah, in coming lecture we solve the rest of exercise. Allah Hafiz.